नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार का आज आखिरी दिन। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर 3 दिन पहले ही हुआ था लीक। शिक्षा विभाग ने 400 से अधिक शिक्षकों के वेतन कटौती का दिया आदेश। नीट यूजी 2024 में धांधली की जांच करेगी ईओयू। गुजरात टाइटंस के कप्तान पर लगा 24 लाख का जुर्माना। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन। बिहार में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार आज थम जाएगा। चौथे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम के 5 बजे तक चौथे चरण के प्रचार का दौर चलेगा और इसके बाद उम्मीदवार मतदाताओं के घर घर जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। आपको बता दें कि चौथे चरण का चुनाव 13 मई को दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर लोकसभा क्षेत्रों में होने जा रहा है और इसके लिए बूथों में ईवीएम भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मतदान कर्मियों की रवानगी की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। मालूम हो कि चौथे चरण में 95,83,662 मतदाता 55 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने जा रहे हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर 3 दिन पहले ही हुआ था लीक। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर 3 दिन पहले ही लीक हो गया था। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में ईओयू की ओर से कई तरह के खुलासे किए गए हैं। जानकारी के अनुसार परीक्षा के 3 दिन पहले ही प्रश्न पत्रों को पटना से नवादा ले जाने के क्रम में साजिश के तहत लीक करवा दिया गया था। पूरे कांड के मास्टरमाइंड डॉक्टर शिव और उसके पिता डॉक्टर संजीव है। ये नालंदा जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने चालाकी से प्रश्न पत्र की पेटी को स्पेशलाइज्ड टूल के माध्यम से खोलकर प्रश्न पत्र को स्कैन कर लिया था और उसमें वाहन चालकों की मिलीभगत की बात सामने आई है। बताया जाता है कि पूछताछ के बाद कुरियर कंपनी, वेंडर, ड्राइवर, रेस्टोरेंट के संचालक सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शिक्षा विभाग ने 400 से अधिक शिक्षकों के वेतन कटौती का दिया आदेश। शिक्षा विभाग ने 454 शिक्षकों के वेतन कटौती का आदेश दिया है। ये सभी शिक्षक भागलपुर जिले से हैं। शिक्षा विभाग की ओर से ये कहा गया है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और इसके अलावा निरीक्षण नहीं करने वाले पदाधिकारियों का भी वेतन रोकने का आदेश दिया गया है। मालूम हो कि स्कूलों में निरीक्षण के दौरान ये शिक्षक अनुपस्थित पाए गए थे और इसके बाद इनके वेतन में कटौती का आदेश दिया गया है। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से स्कूलों का निरीक्षण करने का सख्त आदेश है। जानकारी के अनुसार निरीक्षक कर्मियों का 1 दिन का वेतन काटा गया, जबकि 118 शिक्षक 25 दिनों से गायब मिले थे और इस कारण इनका 25 दिनों का वेतन काटा गया है। चौथे चरण में सैकड़ों प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मामले। बिहार में चौथे चरण का चुनाव 13 मई को होने जा रहा है। इसमें बेगूसराय, दरभंगा, मुंगेर, समस्तीपुर और उजियारपुर की लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। मतदान से पहले वोटिंग एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की एक रिपोर्ट सामने आई है। इसमें इस बात का खुलासा किया गया है कि कई उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के 4 में से 2 प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं देश भर में भाजपा के 70 में से 40 प्रत्याशी और कांग्रेस के 61 में से 35 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, जबकि टीएमसी के 8 में से 3 और समाजवादी पार्टी के 19 में से 7 प्रत्याशियों के खिलाफ ऐसे मामले दर्ज है। नीट यूजी 2024 में धांधली की जांच करेगी ईओयू। बिहार के अलग अलग केंद्रों पर 5 मई को आयोजित नीट यूजी के कथित धांधली से जुड़े मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। इस मामले की कमान अब बीते दिन ईओयू ने संभाल ली है। अब तक ईओयू ने जांच में सहयोग दिया था, लेकिन अब गिरफ्तार आरोपियों को ईओयू रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ करेगी। इस मामले की जांच में पाए गए तथ्यों और मामलों की गंभीरता को देखते हुए और संगठित गिरोह की सुनियोजित संलिप्तता के साक्ष्य के आधार पर ईओयू ने जांच की जिम्मेदारी खुद ले ली है। इस मामले में 8 सदस्यीय विशेष टीम का गठन भी किया गया है। बीआरए यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए डीजी लॉकर की हुई शुरुआत। लंबे समय के इंतजार के बाद बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में डीजी लॉकर की शुरुआत की गई है। इसमें छात्र छात्राओं की डिग्री से लेकर सभी प्रकार के दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाएगा। इसकी शुरुआत होने के बाद छात्रों के ई सर्टिफिकेट के आदान प्रदान में भी काफी आसानी हो जाएगी। इसके लिए छात्र और छात्राओं को
अपने मोबाइल फोन में डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड रखना होगा और इसके साथ ही आधार कार्ड और जन्म तिथि के साथ इसका वेरिफिकेशन किया जा सकेगा। इसमें साल 2015 से लेकर साल 2020 तक के प्रमाण पत्रों को अपलोड किया जा सकेगा। बिहार संग्रहालय में छात्रों के लिए इस खास सत्र का होगा आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर 18 मई को बिहार संग्रहालय की ओर से छात्रों के लिए एक क्यूरेटेड वॉक और एक पेंटिंग सत्र का आयोजन किया जाएगा। इसमें कक्षा 10वीं तक के छात्र और छात्राएं शामिल हो सकते हैं। छात्रों को बिहार संग्रहालय की कलाकृतियों और इससे प्रेरित होकर खुद की कलाकृतियां बनाने का मौका मिलेगा। छात्र इसके लिए गूगल फॉर्म के माध्यम से पंजीकरण कर सकेंगे। भाग लेने के लिए 15 मई तक पंजीकरण किया जा सकेगा। चयनित छात्रों का प्रवेश यहां पर निःशुल्क होगा और बिहार संग्रहालय की ओर से उन्हें सामग्री भी दी जाएगी। बिहार पुलिस के 14 जवानों को वीरता पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। बिहार पुलिस के 14 जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नए नियमों के तहत जवानों को पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से आदेश जारी हुआ है। गृह विभाग ने इसके साथ ही चयन समितियों का भी पुनर्गठन कर दिया है। इस कमेटी में क्षेत्रीय स्तर के अफसरों को भी जगह दी गई है। नए चयन समिति का गठन किया गया। आपको बता दें कि साल 2004 से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वीरता पुरस्कार देने का प्रावधान लागू किया गया है। वीरता का परिचय देने वाले जवान को ये पुरस्कार दिया जाता है और इस बार 7 की जगह 14 जवानों को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 40,000 से पार हुई आवेदकों की संख्या। सीईटी बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आयोजन के लिए पूरे बिहार के 11 शहरों में परीक्षा केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसमें अब तक अभ्यर्थियों ने वरीयता के आधार पर केंद्रों के चयन के मामले में अपनी पहली पसंद पटना और दूसरे पसंद के तौर पर गया शहर को शामिल किया है। साथ ही शिक्षा शास्त्री के लिए अब तक 541 परीक्षार्थियों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। अब तक आवेदकों की संख्या 50,000 के पार हो चुकी है। सीईटी 2024 के लिए नामित नोडल यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि 26 मई तक वेबसाइट www.biharceetbednmu.in पर आवेदन किया जा सकता है। बिहार कप सॉफ्ट टेनिस प्रतियोगिता की हुई शुरुआत। राजधानी पटना के पाटलिपुत्र टेनिस सेंटर में बिहार कप सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप की शुरुआत की गई है। इसमें राज्य के 14 जिले के 65 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 3 दिवसीय प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुष और महिला वर्ग के अलग अलग इंडिविजुअल सिंगल्स इवेंट खेले गए हैं। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता की शुरुआत खिलाड़ियों को अधिक से अधिक अभ्यास करने के लिए किया गया है और इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि के तौर पर हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर खेलो इंडिया सेंटर के राजेंद्र पठानिया, सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन ऑफ बिहार के महासचिव धर्मवीर कुमार ने संयुक्त रूप से किया है। पितृपक्ष मेले तक सीताकुंड बाईपास से देवघाट तक पाथवे का काम होगा पूरा। गया को मोक्ष की धरती कहा जाता है। यहां पर साल 2024 में भी पितृपक्ष मेले का आयोजन किया जाएगा। मालूम हो कि गया जी में पितरों के तर्पण को लेकर देश और विदेश से भी भारी संख्या में पिंडदानी पहुंचते हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने फल्गु नदी के पश्चिमी तट में बाईपास से देवघाट तक पाथवे अप्रोच रोड और अन्य कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान देव ने बताया है कि पितृपक्ष मेले तक ये कार्य पूरा हो जाएगा। सड़क सहित सभी कार्यों को हर हाल में पूरा करने का आदेश है। तय सीमा के अंदर इसे पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर सड़क के साथ ही घाटों का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पर हाईकोर्ट ने लगाया 10 लाख का जुर्माना। पटना हाईकोर्ट ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है। अदालती आदेश का पालन करने में अनावश्यक विलंब पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और 10 साल का जुर्माना लगाया है। जस्टिस PB बजनथी की खंडपीठ ने अभिषेक पंकज समेत 129 कर्मचारियों की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। बताया जाता है कि यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजों में प्राचार्यों के द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति की गई थी। नियुक्ति के बाद इनसे काम भी लिया जाता रहा और इन्हें ये कहकर हटा दिया गया कि इनकी नियुक्ति वैध तरीके से नहीं की गई है और इसके बाद विश्वविद्यालय की ओर से हटाए गए कर्मचारियों ने पूरे मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। साथ ही अपने बकाए वेतन की मांग की है। पोखरण परमाणु परीक्षण की आज 26वीं वर्षगांठ। पोखरण परमाणु परीक्षण की आज 26वीं वर्षगांठ है। आज से 26 साल पहले साल 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किए थे और इसके साथ ही भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में काफी बड़ी छलांग लगाई थी। इस कारण आज भारत के पास 5,000 किलोमीटर की दूरी पर
मार करने वाली अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल है और उसके साथ ही 3000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली K4 पनडुब्बी आधारित बैलिस्टिक मिसाइल है और इसके जद में पूरा चीन और पाकिस्तान आता है। पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद भारत वैश्विक स्तर पर एक सैन्य और कूटनीतिक ताकत बनकर उभरा है। हाजीपुर में चिराग पासवान की गाड़ी पर हुआ हमला। हाजीपुर में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की गाड़ी पर हमला कर दिया गया। बताया जाता है कि कुछ दबंगों ने न सिर्फ चिराग पासवान की गाड़ी को रोका बल्कि उस पर हमला भी कर दिया और पोस्टर बैनर को भी फाड़ दिया। इस घटना की तस्वीर भी सामने आई है। प्रचार गाड़ी पर पोस्टर और बैनर टंगा हुआ था, साथ ही गाड़ी के समर्थन और वोट के लिए माइकिंग भी की जा रही थी और इसी बीच अचानक 3-4 दबंगों ने गाड़ी को घेर लिया और गाड़ी पर लगे हुए पोस्टर और बैनर को फाड़ने लगे। लोजपा रामविलास की ओर से इस घटना की शिकायत करने की बात कही गई है। गुजरात टाइटंस के कप्तान पर लगा 24 लाख रुपए का जुर्माना। आईपीएल 2024 के मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को मात दे दी है, साथ ही प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। गुजरात की टीम ने सीएसके को 35 रनों से हरा दिया है। हालांकि इस मैच में गुजरात की टीम के कप्तान शुभम गिल पर धीमी ओवर गति के लिए 24 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और इस टीम का ये धीमी ओवर गति के लिए दूसरा अपराध था। इसके लिए हर खिलाड़ी को 6-6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, वीजा ने किसे भारत में कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है? सुरेश रैना, सुजय रैना, सुरेश कुमार या संकेत सिन्हा? सही जवाब है सुजय रैना। भारत के किस राज्य में वेस्ट नाइल फीवर को लेकर अलर्ट जारी हुआ है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका या केरल? सही जवाब है केरल। भारत ने किसे 14,000 टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति प्रदान की है? मॉरिशस, मलेशिया, मालदीव या माल्टा? सही जवाब है मॉरिशस। HDFC लाइफ ने किसे चेयरमैन नियुक्त किया है? केकी मिस्त्री, कुमार गौरव, अभिषेक कुमार या आदित्य कुमार? सही जवाब है केकी मिस्त्री। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय या दादा भाई नौरोजी? सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मोहम्मद शकीर हुसैन, नुन्नू गोलू कुमार, राजकिशोर महतो, पवन सिंह, सदुल्ला पालवी, धनंजय कुमार, रवि कुमार राम, राकेश मिश्रा, शिव नारायण, रंजीत मिश्रा, बाबूलाल मरांडी, नंद कुमार सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का हमारा सवाल है, आपके जीवन में आपका सपना क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।